आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर से निकसी, कोई सावल कोई गोरी रे रसिया। होली खेल रहे ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। ब्रज में होरी के बाद होरंगे की प्राचीन एक परंपरा चली आ रही है। आज हमें वंशी अवतार श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर बादग्राम में आज होरंगे का आयोजन किया गया है। गांव की जो होरियारिने हैं वो होरियारों पर प्रेम पगी लाठियां जमकर बरसा रही हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ गाँव की होरियारिने हैं। क्या नाम है आपका और आज होरंगे में आई है कैसे? मेरा नाम अनुराधा है और यहाँ एक साल से रंग पंचमी के उत्सव की तैयारियाँ की जाती हैं बहुत झूम झूम से। तो इसमें देखो गोपियाँ लाठियाँ बरसा रही हैं, प्रेम पगी लाठियों का आनंद ले रहे हैं ग्वाले इसे ब्रज में और होली का उत्सव मनाया जाता है। होली होती है, होली के बाद एक होरंगे की एक मन में वो उमंग रहती है कि होरंगा कब आएगा। हाँ तो होरंगा के इंतजार होता है एक साल से, रंग पंचमी पे ही दिन होता है ये। तो आज जमकर होरियारों पर प्रेम पगी लाठियाँ बरसाई? हाँ खूब बरसाई काफी। जो यानी कि कहते हैं कि होली में फागुन में पूरे वर्ष की जो कसर होती है वो प्रेम पगी लाठियों एक दिन में ही पूरी की जाती, पूरी कर ली जाती है। बोलो होरी के रसिया की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं होरियारिने हैं गांव की और वो कह रही हैं कि पूरे वर्ष की जो कसर होती है वो फागुन में पूरी कर ली जाती है। प्रेम पगी लाठियां जमकर होरियारिने बरसाती हैं। हम अभी आपको और कुछ गांव की होरियारिने हैं उनसे रूबरू कराएंगे। बोलो होरी के रसिया की जय। वंशी अवतार महाप्रभु जी की जन्मभूमि में आप देख रहे हैं होरियारिने हैं गांव की कुछ जो आई हैं और जमकर आज इन्होंने होरियारों पर प्रेम पगी लाठियां बरसाई हैं। जानेंगे उनसे कैसो लग रहा है आज होरंगा में। बहुत बढ़िया लग रहा है, अपने बाद गांव का होरंगा सबसे अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। प्राचीन एक होरंगा है महाप्रभु जी की जन्मभूमि का, कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज कहते हैं कि होरंगा में कसर पूरी कर ली जाती है प्रेम पगी जी, प्रेम की हो रही है, प्रेम की। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, प्रेम की हो रही है। लाठी बरसाई ना बरसाई? खूब बरसाई है, खूब अच्छी, खूब अच्छी, खूब मन करके खूब। जैसा कि आप देख रही हैं होरियारिने हैं प्रेम पगी लाठियां आज उन्होंने खूब जमकर बरसाई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। यानी कि पूरे साल इस होरंगे का इंतजार? बहुत अच्छा इंतजार रहता है, हम लाठी बरसाए बहुत अच्छा लगता है हमको। होली की ब्रज में होली और होरंगा की एक अलग उमंग होती है। हाँ बहुत बढ़िया लगती है, यानी कि बड़ा आनंद आया महाप्रभु जी की जन्मभूमि में। हाँ बहुत अच्छा आनंद। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ होरियारिने हैं जिन्होंने होरियारों पर जमकर आज प्रेम पगी लाठियां बरसाई हैं। वंशी अवतार श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की ये जन्मभूमि है, प्राचीन स्थली है और यहाँ प्राचीन समय से ही होली के बाद होरंगे का रंग पंचमी के दिन आयोजन किया जाता रहा है। आपने देखा कि होली की धमार हुई, अखंड संकीर्तन हुआ। राधे राधे। ब्रज में एक प्राचीन परंपरा है होली के बाद होरंगे का आयोजन किया जाता है। आज हम हैं वंशी अवतार श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर बादग्राम में। आज यहाँ होरंगे का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हैं श्री जी मंदिर के महंत श्री दंपति शरण जी महाराज। महाराज जी आज एक प्राचीन होरंगा की एक परंपरा चली आ रही है ब्रज में, होली के बाद होरंगा आयोजन किया गया है, बहुत ही भव्य होरंगा है, क्या क्या उत्सव महाराज जी आज हुए? क्योंकि हमारे शुरुआत होती है मानसरोवर से, मानसरोवर से होली शुरू होती है और बादग्राम जाकर रंग पंचमी को होली का समापन होता है। क्योंकि हमारे हरिवंश महाप्रभु जी के समय ही 550 वर्ष पहले है, क्योंकि ये होली उत्सव ये मानसरोवर से चालू हुआ और इस बादग्राम में जाकर रंग पंचमी को समापन हुआ, जो हमारी ये पहले से परंपरा रही है। महाराज जी आज भी उत्सव हुए हैं, क्या क्या महाराज जी आज उत्सव हुए हैं? सुबह सबसे पहले तो मंगल गायन हुआ हरिवंश महाप्रभु जी के प्राप्त स्थल पर, फिर उसके बाद तारा महल में होली की धमार हुई। होली की धमार के साथ साथ सखियों का नृत्य भजन समाज गायन इत्यादि के साथ में होली का समापन हुआ। महाराज जी आज होरंगा भी गांव की होरियारिने हैं होरियारे हैं
दूर दराज से आए हैं, लोग देख रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं, कैसा है? क्योंकि ये माता बहनें मतलब हुरंगा खेलती हैं, इसको लिए लालात रहते हैं कि कब ये समझो कि रंग पंचमी में आवे, कम हुरंगा का हम रस वर्षा लें, कब लाठी बढ़ जाएं, ऐसी करके हमारी ये ब्रज की परंपरा रही है जो होली का मतलब हुरंगा होता है। बड़े महाराज जी भी आए हुए हैं, हमारे पूज्य श्री महाराज जी लाड़ीसन जी महाराज जी के सानिध्य में ये उत्सव हुआ, आए आकर के इस रस का आनंद लिया, लेकर के ये समझो उन्हें भी बड़ा इसका भाव विभोर करके चले गए। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे श्री जी मंदिर के महंत श्री दंपति शरण जी महाराज। उन्होंने बताया कि यहाँ प्राचीन एक हुरंगे का आयोजन किया जाता है, काफ़ी लंबे समय से आयोजन किया जाता रहा है। ब्रज की एक परंपरा है, होली होती है, होली के बाद हुरंगा होता है ब्रज में, और रंग पंचमी के दिन श्री जी मंदिर बादग्राम का हुरंगा होता है, जहाँ की आज पदगायन हुआ, होली की धमार हुई, सखियों का नृत्य हुआ, हजारों भक्तों की भोजन प्रसादी के साथ अब ये यहाँ हुरंगा खेला जा रहा है। गाँव के हुरियारे हैं, हुरियारिने हैं, आ रहे हैं, प्रेम पगी लाठियाँ हुरियारिन हुरियारों पर बरसा रही हैं। पूरे वर्ष हुरियारों को और हुरियारिनों को इंतजार रहता है कि कब रंग पंचमी आएगी और कब प्रेम पगी लाठियाँ उन्हें पाने का मौका मिलेगा। वंशी अवतार श्री धर्वंश चंद्र महापुरुष जी की जन्मभूमि से ब्रह रही दर्शन के लिए मैं दिनेश सिंह तरकर मथुरा।